हमारा सोम बेबी सोम भाई नोर मैक्स साउंड टीचर मैक्स यो यो बोरे बच्चन जी हेलो गाइस आ गया हूँ मैं हेलो मैं आ गया हूँ स्वागत नहीं करोगे क्या भाई तुम्हारा भाई बोला था जबान दी आ गया और इधर माइक है एडजस्ट कर लो अभी जो नए मेंबर है उनको पता नहीं तो ये अपना पहला रिएक्शन वीडियो है तो एडजस्ट कर लो क्या रिएक्ट करने वाला हो कैसे रिएक्ट बोला था पिछला वीडियो जाके देख लो जिन्होंने नहीं देखा है कि अपना रिएक्शन हटके रहेगा कुछ ना कुछ हटके रहेगा तो ज़्यादा बकबक नहीं करना है जो मुझे पिछला वीडियो जिन्होंने नहीं देखा है उनके लिए फिर से एक बार सॉरी कि इतना दिन मैं नहीं आया मेरे चैनल पे कोई भी वीडियो मैंने अपलोड नहीं किया था गैप था 6 महीने का उसके लिए दिल से सॉरी और क्वालिटी थोड़ा एडजस्ट कर लो थोड़ा सा बाद में धीरे धीरे कर दूंगा पहली वीडियो है यार कैसे तैसे सेटअप कर लिया है वही बड़ी बात है वो मैं आ गया हूँ यही बड़ी बात है चलो ज़्यादा बकबक नहीं करते स्वागत है आपका अपने नए नए लिए रिएक्शन वीडियो में और क्या रिएक्शन है कैसे चलो देख लो थंबनेल देखा ही है यार क्या गधा हूँ मैं थंबनेल देखा है मारो मुझे तो बिग बॉस का रिएक्शन है मैं देख वीडियोज अपलोड नहीं कर रहा था यूट्यूब पे देख रहा था ऑफलाइन मैंने यहाँ तक तो देखा है अभी यहाँ से आगे और मैं जिसका बिग बॉस का वीडियो देख रहा था जिसके चैनल के ऊपर रिएक्शन तो उनका ही रिएक्शन हम करेंगे देखेंगे बिग बॉस के वीडियोज का रिएक्शन देखा है अपने स्टाइल विद शैगी स्टाइल विद शैगी भाई इनका चैनल है पहले भाई इनको जाके सब्सक्राइब करो क्योंकि इनके वजह से अपने को ये कंटेंट मिल रहा है और भाई देख रहे हो मेरी वीडियो तो कॉपीराइट मत दो गरीब का पेट पल रहा है तुम्हारी कंटेंट के वजह से हमारा कुछ चल रहा है तो नहीं यार सीरियसली प्लीज कॉपीराइट मत दो इतनी दया करूंगा और क्या ही भीख मांगू भीख तो इतनी मांगूंगा तो चलो गाइस यार कुछ नहीं ज्यादा बकबक करते पहले रिएक्शन करेंगे और इनके ना ये वीडियोज लेना इन्होंने दो दो एपिसोड किए हैं तो मैं सोच रहा हूँ कि इतनी बड़ी वीडियो मेरी मतलब इनके रिएक्शन का हम रिएक्शन तो बहुत बड़ी वीडियो बनेगी तो इनके दो एक वीडियो की हमारी दो वीडियो होगी लाइक एक एपिसोड हम इनके दो एपिसोड है एक वीडियो में तो हम एक ही रिएक्ट करेंगे और एक एक करके करेंगे मतलब समझे ना आप क्या बोलना चाहता हूँ ज़्यादा बोल दूंगा नहीं 3 मिनट हो गए चलो चालू करते हैं और पहले भाई को सब्सक्राइब करो जाके चलो कर दूं क्या स्टार्ट और भाई कौन कौन अपने एमसी स्टैन का सपोर्ट रहे ना बताओ एमसी स्टैन के सपोर्ट में जो जो है बताओ भाई एमसी स्टैन के सपोर्टर्स चलो रिएक्ट करते बिना लमसम में देरी किए पट्टे काले ए यो छुपा के रखा बोलते आप दोनों ने शिट ए पगली तू क्यों रो रही है बाल देख ना भाई बाल देखो ना भाई के बाल देखो ये देखो और हमारे देखो भाई झड़ने की कगार चलो के गम तो मुझे मुझको कि तेरी याद के सहारे जी रहा हूँ कि तेरी याद के सहारे जी रहा हूँ टा 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 अरे करूँ प्यार तो मनात लग खाजामदी अनातामदी रात लग अरे क्या पूरा गाना ले गया क्या अभी वाह रिएक्शन रिएक्शन बिग बॉस आई वांट बिग बॉस पाजरुन गावा तिला सांदनीला आवताना पाजरुन गावा तिला
झोप लागना सपन जागवा और भाई सब भी गाड़ा ही ले रहा है रे पूरा पाखरू मारो भाई पिक्चर ही दिखा दो ना भाई 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 शैगे भाई नहीं सुनो ना नहीं रे काइको रुकिए काइको अरे पिक्चर बनता है हमको भाई पिक्चर दिखाओ पूरा सही रहा क्या भाई ये भी मेरे जैसा ही है क्या भाई डेढ़ मिनट हुआ भाई गाने के भाई भिंडिया खेल रहे मैंने गलत वीडियो नहीं ना लगाई वीडियो भी है भाई सही तू हंस दी रवे मैं हंसा तरवा तेनु तक दरवा कूल हो गया नहीं काई लाइट चालू बोलता है अरे नहीं है लाइट लाइट है चालू नहीं हो गया क्या तुम्हारा खेल के विल के विंडिया विंडिया गाने की हाँ अरे क्या भाई हाँ रिएक्शन कैम भी चालू बोलता है चलो कैम भी चालू चलो डूड आगे दो एपिसोड है हम बोलते हैं जल्दी जल्दी लाओ तो जल्दी वाला अपडेट वाला एपिसोड है ठीक है आज रात को अपलोड हो जाएगा फटफट फिर कल से अपन लाइन पे आ जाएंगे ठीक है लेट्स गेट माय एयरफोन यार मेरा तो क्या घर का वो सदस्य जो सबकी नजर में बच्चा है और प्लेयर नहीं है मैं बात कर रहा हूँ अब्दू की गो हु हैज नो ब्रेन इन द हाउस अब अब्दू उन्हें हार पहनाएगा जिनमें दिमाग की कमी है उनके हिसाब से एक क्या क्यूट दिख रहा है ब्रो अंकित तमीज बिहेवियर नॉट गुड ब्रो शालिन शालिन बोरिंग पर्सन इन द हाउस बड़ा पीपल है उसको चाय ओके व्हिच पर्सन इज लायर 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 ओके प्रियंका तेरे को लग गई इमरित आपके जो रिसेंटली अच्छे दोस्त बने हैं शिव उनके आधे से ज्यादा राशन लेकर उस रूम में जाना होगा नहीं सर तो आपको जो ऑफर दिया गया है शिव चॉइस दिया कि कैप्टन वन मैं भी वही नहीं 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 शिव के रूम में शिफ्ट हो और आधे से ज्यादा राशन उधर वो जो रूम में करंटली रह रहे ना वो शिव के रूम में जाए रूम में शिफ्ट होने का वो नहीं बोल उसका दाम आप मैं भी ना गाइस यही बात बोलने वाला था भाई ने बोल दिया सर मैं नहीं चाहूंगी कि एक बिस्तर के लिए मैं और लोगों का राशन किसी और कमरे में लेकर जाऊं वेरी गुड चलिए निमृत ने नहीं किया गौतम ये ऑफर और दाम आपके लिए है आप इस घर के कैप्टन बन सकते हैं और दाम ये है कि आपको घर का सारा राशन गिव अप करना होगा अयो सर मैं ऐसा नहीं करूंगा टेक योर टाइम अरे ये लफड़े वाली बात है वो बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा है ना इसलिए वो एमसी को देखो ना गाइस एमसी को देखो एमसी को देखो ना कैसा दिख रहा है अरे यार बाबा इनाम कैप्टनसी और दाम सारे घर का राशन बहुत बड़ी डील है भाई नहीं लेना चाहिए बिकॉज़ पूरा आपका घर लास्ट 10 सेकंड्स लेफ्ट फॉर यू गौतम लेगा कुत्ता है अभी सोच रहा क्यों है बंटा हां ना मेरे को लग रहा है सर मैं एक्सेप्ट करता हूं बोला ना लेगा व्हाट यू व्हाट द फक बोला ना लेगा बोला था वे ये लेगा ये कुत्ता है Are you mad? में आप दाम भर रहे हो पूरे घर का राशन
देर में सारा राशन ले लिया जाएगा. मैं सबके लिए खाने के लिए झगड़ा करता हूँ. निमरित को बोला था तुमने, और तू कैप्टन बनने के लालच में खाना ले रहा है लोगों का. अब तू मेरा क्रोध देखेगा. मैं खाने के लिए लड़ता हूँ लोगों के लिए, और तूने लोगों का खाना छीना, इसका खाना छीना. अब तेरे को दिखाता हूँ मैं कौन. व्हाट इज रॉन्ग विद यू? व्हाट इज रॉन्ग? गाइस अभी ना ये कुत्ते के ना सोबे ना इतने पीछे पड़ेंगे ना. देखो अभी आगे मजे ही है, मजे. भाई एमसी नहीं बोल रहे कुछ. अभी Have you lost your mind? उस रूम में सो के तुम क्या करोगे? ऐसे कैप्टन को थूकते हैं हम लोग. ले लिया यार. वो अब्दू पीछे से बोल रहे हैं, What happening? अरे what happening? मैंने सुबह हम भूखे रहेंगे. कुछ नहीं खाया यार. चार बार खाने के लिए लड़ा हम लोगों से. Worst decision. This is so dare हम लोगों का तो सोचते हैं. किस लेकिन अबे आप सोचते हैं लोग तेरे लोगों का तो सोचते हैं. गौतम आज तुम मेरे दिल से हट गए. सिर्फ मीन जो इतना सा प्यार था ना वो. अरे इसका आवाज देखो ना, ऐसा नहीं लग रहा है. साउंड फाड़ दिया है और पीछे से और दबा रहा है उसको कोई. नहीं, और पूरी जनता की नजरों से हट गए तुम. हेलो हट्टे गंदी गाली दे रहे हो. स्कीम 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 खाना ले लिया. बहुत गंदी गाली दे रहा है वो. इसके समझ लो कितने गंदी गंदी गाली. एक सेकंड यार, एक मिनट मैं समझ गई. मैं ठीक है ना? ठीक है. किसी के लिए नहीं किया आपने. मुझे पता आपने क्या पॉइंट प्रूव करने के लिए किया, बट अगर हम सही हैं ना गौतम, हमें नहीं है उस चीज़ की ज़रूरत. सर द वर्ल्ड इज वॉचिंग, पूरी दुनिया देख रही है. दुनिया का जान लो, डेस्परेशन इन ह्यूमन नेचर, ये सब देख रही है. मुझे बोला कातिल, कातिल इन द हाउस हो गई है ट्रैप ने एमसी की. पाया है राशन. अरे और बांटा है, बांटा है. और मैंने झगड़ा किया फर्स्ट डे पे. और बराबर बांटा है पागल. हमारे राशन पे उसका कोई हक नहीं. पागल हो गए. अरे सही में बैठ होगा ना, भूखा रहेंगे. मुझे पता है ये लोग पागल होंगे, और कोई भी होगा. मैं होती तो मैं भी रिएक्ट करती, आप होते तो आप भी रिएक्ट करते. यार अर्चना रुक जा, इसको हम बोल रहा हूँ सच्ची. मेरा राशन चला जाएगा सारा, इसके कैप्टन ने बताया हो जाएंगे हम. यू आर स्ट्रॉन्गर देन दिस. मम्मा ने जैकेट भेजा है यार, हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते. ये सौंदर्य देखो ना गाइस, अरे कसली भड़का रही है रे उसको. मतलब गलती भी करो और ऊपर से अपनी इच मनमानी करो भाई, कि तू गलत नहीं है. ऐसा प्रिटेंड करो कि भाई ये सब चिल्ला रहे है ना, ये गधे है. अरे मतलब ऐसा हुआ कि कोई इधर आया, मेरे कान के नीचे बजाए एक, और बोल रहा है अरे दुख रहा है क्या तुझे. अरे दुख रहा है तो आ गया यार, वो तो सॉरी है क्या भाई, दुख रहा है. अबे क्या है ये, हम किसी से नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हमारे लिए सैक्रिफाइस करें. को मालूम भी नहीं जा रहा क्या, नहीं वो इतनी फट रही है जा रहा कि नहीं उसको मालूम भी नहीं, तभी से इतनी फट रही. हाँ अरे वो नॉमिनेटेड है ना, तो कैप्टन बनेगा तो I guess वो nomination से हट जाएगा, वोट आउट नहीं होगा, इसलिए उसने चूज किया वो कैप्टनसी. वो ही स्टैंड बोर्ड कैप्टनसी लेके. तो फिर तुम मालूम भी नहीं जा रहा क्या, नहीं वो इतनी फट रही है जा रहा कि नहीं उसको मालूम भी नहीं, तभी से इतनी फट रही. अरे क्या करेगा कैप्टनसी लेके. तो फिर उसको वो तभी से समझा रहे अपन कैप्टनसी होने वाले थे यार. बात उसकी नहीं अंकित, सोच कैसी है के लोगों का खाना छीन लिया. इतना बड़ा लोग यहाँ पे खाना खिलाने के छपरी है ब्रो, इसने खाना छीन लिया. रीजन बताओ. तेरे को भी फोड़ डालता. अरे ऑब्वियसली मैं थोड़ी कर रहता सर, ये चीज खाना नहीं छीन सकते. अरे करेज नहीं रहते कैप्टन, यू नो पनिशमेंट दो, पूल में लेटो, झापड़ वापड़ खा लो, हंसो, बट खाना नहीं छीन सकते किसी का यार. दिस इज सो स्टूपिड. मारा देना मेरे सामने आके बात कर, खाना छीनता है लोगों का. इस चीज को कैसे सही कर सकता, ये तेरे ऊपर है. जहां तेरे को उसका ये पॉइंट ऑफ व्यू है, जहां तेरे को मतलब ही होना ना ब्रो. वो बोले ना कि मैं एक हफ्ते से भीख मांग रहा था, बोले ना
कि मैं एक हफ्ते से भीख मांगी, मतलब मांगी ना, नहीं मैंने तेरे को क्या बोला था गौतम, उन्होंने बोल रहे थे वो भीख मांगना, वो उस वे में था कि तेरे को गिड़गिड़ाने की, अपने ऊपर भरोसा रख ब्रो। अभी क्या बोली, सपोर्ट में है उसके, मतलब जहाँ तक तू मतलब है मैं तेरे सपोर्ट। अभी देखो मेरे को ऐसा, ये फ्लिप होने वाली बंदी होगी आगे जाके, ये पलटी है। अब तू नो ब्रो, दिस नो थिंकिंग 16 पीपल व्हाट ईटिंग दिस और नॉट ओनली दिस, व्हाट नीड लाइक दिस कैप्टन, नो नीड लाइक दिस कैप्टन, नॉट गिविंग फॉर पीपल फूड, व्हाट नीड कैप्टन। बट इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ रिवर्सिंग, नो नो, इट वाज समथिंग तूने ऑलरेडी बोल दिया, मैं कर रहा हूँ ना, यू शुड बी अशेम्ड। अगर मैंने किसी के चक्कर में ही हाँ बोला यार, मैं रिवर्स कर रहा हूँ, छोड़ ना यार, किसी को खाना देना सीखो गौतम, किसी से मैं लड़ता हूँ, लोगों से खाने के लिए लड़ता हूँ। अगर एक बंदे को खाना दोगे ना, भगवान तुमको देगा। और तुम नेता बनने की सोचते हो, नेता का जिगरा होता है खाना। अरे नेता बन नहीं बन रही, इसको नॉमिनेशन से बचना है और कुछ नहीं। मैं सेकंड, रुक जाओ, इतना भी मत रिएक्शन, चुप रहो, दूंगी मैं, क्या चुप रहो यार, दूंगी, दूंगी, व्हाट ही हैज डन इज रॉन्ग, दूंगी, आई एम विद यू ऑन दिस एंड आई टोल्ड हिम दिस एंड ही, तुम उसके साथ रहो भैया, हम नहीं है साथ, तेरा भी खाना छीन लिया, हमने, यू आर एब्सोल्युटली राइट, हम आई एम विद यू ऑन दिस, साथ नहीं हम उस बारे में, अर्चना काम डाउन, आपको पता है आप ओवर रिएक्ट, काय का ओवर रिएक्ट बे, भाई ने भी हटा लिया क्या हेडफोन, अरे पहला मेरा सुनो बाद में भाई का सुनो, अरे कसली शानी है रही है, मतलब उसको भड़का भी रही है, ऊपर से इनके ऊपर ही चिल्ला रही है, अरे यार चोरी से चोरी और सीधा चोरी इनका ही यार, कड़क बोलो भाई, अभी तुम बोलो शाकिब भाई, क्या है बोला है वो, बात कर रहा है बिग बॉस, मुझे आपसे कुछ कहना है कि सुना क्या वो बोल रही थी ना, तब भाई ने हेडफोन ही बाजू में ले लिए, सुनना ही नहीं है इसका फालतू बकवास, मुझे अपना डिसीजन रिवर्स करना है, हमें किसी को नहीं चाहिए, किसी को नहीं चाहिए, और वो एक्चुअली थोड़ा मेरा सुनने में प्रॉब्लम हो गया था, तो मेरे को डिसीजन रिवर्स लेना है, तो मैं हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगता हूँ, लेकिन मुझे कैप्टनसी नहीं चाहिए, हाँ जोड़ो तो सही, जोड़े हैं ना और क्या जोड़ो, इसी तरह पता है जी कि सलमान खान ने बहुत अच्छे से पूरी बात आपको समझा दी थी जी, आपको सोचने के लिए, फैसला लेने के लिए काफी वक्त भी दिया था, सोच समझ के आपने फैसला लिया है, सभी वो छोटा सेगमेंट हुआ देख, अब दो आचार्य में भाई ने ताली बजाने लगा, उतने स्टैंड है यार, चुप ना, क्या कर रहे तू, दी थी जी, आपको सोचने के लिए, फैसला लेने के लिए काफी वक्त भी दिया था, सोच समझ के आपने फैसला लिया है, सभी नियमों का पालन हो ये सुनिश्चित करना आपकी जिम्मेदारी है, नहीं सुनना है, बिग बॉस से क्षमा मांग रहा, हम लोग से क्षमा मांग, जब हमारा राशन ही छीन लिया है अब करेंगे हम काम, मेरा प्लीज डिसीजन रिवर्स कर दीजिए, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे हाथ जोड़ के, तू देख तेरा प्यार है, सौंदर्य बोलती उसको प्रिया को, यार इसने क्या सोच के हाँ बोले, बोलती तू देख तेरा प्यार है, डांसिंग इनसाइड सब नाच रहे, सारा राशन लेके जा रहे हैं, वो जायज है सर, मुझे इस वक्त रोने का मन कर रहा है क्योंकि मुझे इतनी भूख लग रही है, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, लेकिन इसका अपोलोजाइज करके रिवर्स करा हुआ खाना भी नहीं चाहिए मुझे, जाएगा ना घर से कोई बंदा, क्या बंदी, वो ही जाएगा, नहीं जाएंगा वो, सुनो ना गाइस, पीछे से जब आवाज आ रहा है ना बाहर, मतलब वीडियो के बैकग्राउंड में, थोड़ा इग्नोर करो, अरे आजू बाजू पब्लिक है भाई, सबको नहीं बोल सकते साइड, सब कुछ ना थोड़ा एडजस्ट करो, अभी तो नहीं जाएंगा वो, उसके लिए तो घर और उसकी भलाई है उसके जाने में, मैं तेरे को बोल रहा हूँ, मैं उसको अगले दो तीन दिन में, मजाक नहीं कर रहा हूँ, वो मेरे को दिखेगा ना, जब भूख लगेगी और दिखेगा ना वो ब्लास्ट, चलो नहीं 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 करने का, गौतम का पॉइंट ऑफ व्यू करेक्ट है, करेक्ट है, इज हिज डिसीजन, उसने
करेक्ट डिसीजन लिया अपने लिए, अब आप लोग अपने अपने डिसीजन लो, बिकॉज एवरीवन इज इंडिविजुअल हियर, साजिद, अब्दू, एवरीवन, और आपका गुस्सा वैलिड भी है। आई कैन अंडरस्टैंड के भाई तुम्हारे कैप्टनसी के लिए हम क्या भूखे मर जाएं? अब उसका ये हाँ मरो, मुझे तो कैप्टनसी चाहिए। और ये सब होता है अगर आज गौतम बच जाए एलिमिनेशन से। क्या कौन हो रहा है आज एलिमिनेट? इस बार 7 सदस्य नॉमिनेटेड हैं, निमृत, सौंदर्या, गौतम, शिव, अब्दू एंड गौरी। ने कहा था कि कैप्टनसी आप एंजॉय कर सकोगे अगर आप इस घर में टिकोगे। जी सर। आ जाइए। चल दिया। आउट, इज आउट। कैसा करना वैसा ताली बजा रही थी तब भी बच रहा है ये बके की कुछ। करेक्ट करेक्ट, आई एग्री विथ यू। दूसरों का खाना छीना था ना? सीरियसली? यस सही में सर। रुक, दूसरों का खाना छीना था? आई एम सो हैप्पी सर, सच में। शालीन, यस सर। अभी तो गालियां दे रहा था यार। हाँ अभी तो बोला मैंने तो सर वो एक तरफ है सर, कोई भी जाएगा दुश्मन भी होगा तो मुझे बुरा लगेगा। हम नहीं है ऐसे खुले में बोलते। इसको ना पलटू पलटू क्या दिया था रे गाइस इसको? ओ अब्दू ने कुछ तो दिया था ना, बराबर दिया था सोच समझ के। शाला है क्या बराबर पलट नहीं ऐसे। हाँ सर मैं ऐसा हूँ सर, ह्यूमैनिटी है सर थोड़ी सी, थोड़ी सी। और अगर अब ये रुकता है और बिग बॉस बोलता है कि इसके पास में अगर खाना मिलेगा तो इससे तो खाना मुझे नहीं चाहिए। ये सब यहाँ पे बोलने की बातें हैं। नहीं सर मेरा मेडिकल रीजन है सर, पर फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। मेडिकल मेडिकल मत किया करो यार, मुझे तुम्हारे सब मेडिकल रीजंस पता है और तुम्हारे मेंटल रीजंस भी पता है मुझे, समझे? ये जो खेल रहे हो ना तुम, मुझे पता है कि मैं साथ दूंगा, थोड़ी सी ह्यूमैनिटी है, अगर थोड़ी सी ह्यूमैनिटी होती ना तो बहुत कुछ कर लेते तुम। ओह शिट, समझे आप? और आपको पता है मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? जिसके ऊपर क्या है मेरा गया था। नहीं की मैंने बात यार, ये आ गई कर्मा पे, कोई चला जाएगा धर्मा पे, कोई ताली मार रहा है, कोई जैसी करनी वैसी भरनी। सॉरी सर। कर्मा ये है कि एक बंदे ने एक डिसीजन लिया और वो इस घर का कैप्टन बनेगा क्योंकि आज वो सेफ है। ये आप अब्दू को नॉमिनेट करते रहते हो, बोले स्ट्रांग है स्ट्रांग है स्ट्रांग है, नतीजा देखना है आपको। अब्दू छोड़ के जा रहा है घर। क्या क्या मस्ती है मेरे को। और नॉमिनेट करो अब्दू को के स्ट्रांग है स्ट्रांग है स्ट्रांग है। कम अब्दू। नहीं सर प्लीज सर, सर प्लीज सर। नो 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 या या कम ऑन गाइस। नो 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 नो, दीस आर योर फ्रेंड्स हु नॉमिनेट यू एंड देन से सॉरी एवरीवन। ये नहीं, ये शानी है क्या? सर प्लीज सर, देन से सॉरी एवरीवन। इसको देख के भी मेरे को गुस्सा आता है। सर प्लीज सर, सर नो सर। ये टू नॉमिनेट, हु नॉमिनेटेड यू? संबल गौतम। Tina. And what was the reason? I don't know. That you don't understand the game? Yes, yes. For this, this. Do they understand the game, Abdu? Or you understand the game more than them? No, because no, you're not playing no, a game. You're being yourself. They are playing a game. Knows you understood the game. So that's why you're safe, Abdu. Oh. Everyone love you. Thanks so much. Ab kaun bacha? Safe. आप सब बच गए हो, आज कोई नहीं जाएगा। झाड़ू से आप उसे झाड़ सकते हैं, आपको झाड़ फूंक का मौका। गौतम आ जा।
तो मैं एक्टिंग करने का भूत दोस्ती दिखाने का भूत दोस्ती निभाने का भूत सब निकल जाएगा एमसी क्या जरूरत है ब्रो तू बाल से मुझे पता है क्यों आई थिंक आपको अभी मोक्ष मिला अभी मोक्ष इसमें अदरक का भू हां और अदरक में क्या फुटेज का भू के और फुटेज का भू के सक्सेस विद अदरक तो हर रोज दो ग्लास अदरक का पानी हमें होना पर आई कैन सिंपैथाइज मुझे भी अदरक बहुत पसंद है हां तुम्हारी आवाज में जो भी वो निकल जाए मैं क्या ओडिशा घुमाऊं ब्रो अभी मैं फटेला साउंड है भाई बोला रहे फटेला साउंड है भाई निकल जाए जो भी है भाई दो मिनट मेरा म्यूजिक सुना है मैंने आ जा मेरे भाई हाँ कुछ करते हैं ना पब्लिक के लिए लेगो ये क्या किधर है तू किधर है बिग बॉस हाउस में बच्ची आ जा 5 6 7 पैदा हुआ मैं वहाँ पे हिप हॉप नहीं था जहाँ पे गुनेगारी गिरी चलती थी यहाँ पे खो चुका था बंद होके 90s में खो चुका था टूपाक के सपनों में अपनों में नहीं काता में ज्यादा गैर मुझे पसंद थे क्योंकि मुझे दिए अपनों ने ही धोखा था ठोका था रोका था हर एक बात करने से हिप हॉप मुझे करने से हर गली में क्या अरे काय का उसका बीट देखा के पीछे से अरे इसकी मां पानी सुनिए शहर की तेरे बहन को भगा लड़कियां ना गाड़ी अपनी लगी हमारी कल रात का ये ज्वाला तेरे आंखों में जगा दे क्योंकि फर्क है तुझे छेड़ने की तलब है नकली वाला मर्द मर्दानगी पे कलंक है बानियत की शक्ल जितनी तुझ में गर्मी उससे ज्यादा गर्म मेरा कलम क्यों इतना बेशरम का काम का वो काम जिसमें तेरा कल है या काम का वो काज जिसमें तू सफल नहीं बल सर का तो ठीक है मैं तो क्या मेरा कहीं सामान नहीं कमी किसको बोलूंगा ना इन्हें रोकने एक बात बोलूं मैं क्या करूंगा मान बोलूं मैं मेरे पे लेके बोलती हूँ एक बात सुन लेना ठीक है ना मैं तू मेरा दोस्त है इसलिए मैं बोल रही हूँ सर करते हैं पर हाथ तो नहीं उठाते हैं अरे उठा डालेंगे सुनो एक मिनट सुनो मेरी बात तुमको नहीं समझ रहा सुनो जब तक वो पहल नहीं करते अपन कभी नहीं करेंगे समझ रहा ही नहीं है अभी तक देखो मालूम उसको समझ रहा ही नहीं है उसने क्या किया उसके खिलाफ नहीं जा रहा कौन कौन खिलाफ नहीं जा रहा और उसने जो किया ना उस माफी नहीं है वो चीज को नफरत हो रही ब्रो मैं नफरत नहीं करता किसी से ना मीन दे न्यू जो उसको सबक सिखाना है सिखाओ बट आप ट्राई करो कि ये पहली बार नहीं है अभी शालीन था कुछ दिन पहले अभी ये कल और एक निकलेगा पर्सन आपका गुस्सा सही है पर वो कोई तो भी उसके वजह से हम क्यों गंदा देखें और ये 10-10 दिन के बाद सर लेवल बढ़ते जाएंगे ना इनके और साइड वहाँ रहेंगे सर सबके तू भी ट्राई करें एमसी की हमारा जो भी हम स्टैंड ले सब इंडिविजुअल बट हम गाली और बाकी चीज़ें नहीं करेंगे बाकी सब करेंगे आवाज़ सब 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 बस अपने को अपना कंट्रोल भी रखना है वो इतने होता कंट्रोल डरपोक है साला बहुत बड़ा डरपोक है इतना गाली दिया साले को अगर मर्द का बच्चा होता आके बोलता तो आके गाली दिया रहता वापस से उतनी हिम्मत तो नहीं उसमें कुछ मुझे बहुत हंसी आती है अरे वो सुन अभी मैं क्या बोल रहा आज का क्या शॉट था ये कौन ये नहीं गया ना अरे ये जाने वाला था कुत्ते नहीं मेरे को नहीं लगा अरे मैं तेरे को बोल रहा हूँ ये कुत्ते जाने वाला था तेरे को लगता है इन्होंने देखा ना कि अभी 7 दिन 4 दिन 3 दिन खाने के बिना सब इसकी कैसी वो ही होने वाला है भाई इसके खत्म हो गया बोलते रुक जा